बरगा तो ये डिस्ट्रिक्ट जेल है लाहौर की। तो यहाँ पे परवेज़ लाई साहब को आज छोड़ना था, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। पहले 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे, अब 8:30 का टाइम दिया, और लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी नहीं छोड़ना। ये देखें सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, ये ट्रैफिक चल रही है बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये डिस्ट्रिक्ट जेल है ये लाहौर। तो ये सामने है, ये देख सकते हैं, छोड़ना था लेकिन नहीं छोड़ा। कभी 7 बजे का कह रहे हैं, कभी 8 बजे का कह रहे हैं, और अब दोबारा जो उन्होंने टाइम दिया है वो 8:30 बजे है। तो आइए थोड़ा सा ना जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना जुल्म खुदा के हिसाब से करें, अगर वो इतना करें कभी बर्दाश्त कर सकें। ये तो हमारा मुल्क फलस्तीनी शहर बन गया है, खुदा पे रहम करें। अच्छा मैडम, रहम करेंगे। आपके ख्याल से इन्होंने कितने टाइम दिए हैं अभी? अभी आप पहले बोल रहे थे वो कह रही है अभी 1-2 दिन और लगेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। वो कह रही है अभी नहीं छोड़ना, हमने नहीं छोड़ना, मगर नहीं छोड़ेंगे। इतना जुल्म ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों जुल्म कर रहे हैं, खुदा के खौफ कर रहे हैं। उनकी बीवी बच्ची अगर कारकुन है तो उन्होंने कितना काम किया, सड़कें बनाई, मस्जिद बनाया, खुदा का ये खौफ करें, नशे करें, खुदा के ऐसा ना करेंगे, ना करें ऐसा। उनकी तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है। उनके बेगों को फूक किया था, बेगों को भी नहीं मिलने दिया। अल्लाह के साहब से ये करें, आज ये तो कल एक बजे अल्लाह के साहब आएगा इन शाह तला, पता होगी, पता जरूर होगी। चौधरी बेटा जिंदा आबाद, जिंदा आबाद। शुक्रिया जी। देख सकते हैं जी, ये मैडम जो हैं ये परवेज लाई साहब की जो हर पेशी होती है वहाँ पे भी जाती हैं। इनको मैंने ज़िला कचहरी भी देखा था, और ये जहाँ जहाँ परवेज लाई साहब का पता चलता है कि इनको रहाई होने वाली है, ये लेडी जो है ना वहाँ पे पहुँच जाती हैं। आप देख सकते हैं जी। शुक्रिया जनाब।